1 जुलाई से रेलवे के नियम में भारी बदलाव होने जा रहा है। टिकट रेलवे ने लोगों की यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नए नियम के मुताबिक ट्रेन में वेटिंग टिकट का झंझट खत्म हो जाएगा, यानी 1 जुलाई से आपको वेटिंग लिस्ट का टिकट नहीं मिलेगा। रेलवे ने फैसला किया है कि अब लोगों को सिर्फ कन्फर्म टिकट दिया जाएगा या फिर RAC टिकट दिया जाएगा, लिहाजा लोगों को वेटिंग लिस्ट के टिकट के झंझट से अब मुक्ति मिलने वाली है। नए नियमों के मुताबिक चलती ट्रेन में RAC टिकट को भी कन्फर्म माना जाएगा। 1 जुलाई से बदल जाएंगे रेलवे के ये 10 नियम। वेटिंग लिस्ट का झंझट खत्म हो जाएगा। रेलवे की ओर से चलाई जाने वाली सुविधा ट्रेनों में यात्रियों को कन्फर्म टिकट की सुविधा दी जाएगी। 1 जुलाई से तत्काल टिकट कैंसिल करने पर 50% राशि वापस किए जाएंगे। 1 जुलाई से तत्काल टिकट के नियमों में बदलाव हुआ है। सुबह 10:11 बजे तक AC कोच के लिए टिकट बुकिंग होगी, जबकि 11:12 बजे तक स्लीपर कोच की बुकिंग होगी। 1 जुलाई से राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में पेपरलेस टिकटिंग की सुविधा शुरू हो रही है। इस सुविधा के बाद शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में पेपर वाली टिकट नहीं मिलेगी, बल्कि आपके मोबाइल पर टिकट भेजा जाएगा। जल्द ही रेलवे अलग अलग भाषाओं में टिकटिंग की सुविधा शुरू होने जा रही है। अभी तक रेलवे में हिंदी और अंग्रेजी में टिकट मिलती है, लेकिन नई वेबसाइट के बाद अब अलग अलग भाषाओं में टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। रेलवे में टिकट के लिए हमेशा से मारामारी होती रहती है। ऐसे में 1 जुलाई से शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई जाएगी। भीड़भाड़ के दिनों में रेलगाड़ी में बेहतर सुविधा देने के लिए वैकल्पित रेलगाड़ी समायोजन प्रणाली, सुविधा ट्रेन शुरू करने और महत्वपूर्ण ट्रेनों की डुप्लीकेट गाड़ी चलाने की योजना है। रेल मंत्रालय ने 1 जुलाई से राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के तर्ज पर सुविधा ट्रेन चलाई जाएगी। 1 जुलाई से रेलवे प्रीमियम ट्रेनों को पूरी तरह से बंद करने जा रहा है। सुविधा ट्रेनों में टिकट वापसी पर 50% किराए की वापसी होगी। इसके अलावा AC 2 पर ₹100, AC 3 पर ₹90, स्लीपर पर ₹60 प्रति यात्री कटेंगे।